नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भारत एक सोच। चौधरी लोटन राम निषाद को समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के अखिलेश यादव के फैसले पर समाजवादी पार्टी के भीतर ही बहस चल रही है। कोई कह रहा है अखिलेश यादव ने सही किया, कोई कह रहा है उन्होंने गलत किया। अनुशासनहीनता के चलते कार्यवाही सही है। आज मैं आपको बिना किसी झुकाव, बिना किसी पक्षपात के समाजवादी संविधान को सामने रखकर लोटन राम कांड सही है या गलत वो बताऊंगी। आगे कोई और बात करें उससे पहले आप समाजवादी पार्टी का संविधान पढ़ लीजिए। धारा 2 के अनुच्छेद 2 में लिखा है कि धर्म पर आधारित राज्य की अवधारणा का समाजवादी पार्टी विरोध करती है और धर्म आधारित राज्य में आस्था रखने वाले किसी भी संगठन का कोई भी सदस्य समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकेगा। मतलब साफ है, धर्म के आधार पर बात करने वाले, बांटने वाले लोगों की एंट्री समाजवादी पार्टी में नहीं है, ना तो वो सपा का कार्यकर्ता रह सकता है। तो अब मसला ये है कि क्या लोटन राम निषाद धर्म आधारित राज्य की कामना कर रहे थे? अगर नहीं तो लोटन राम निषाद को हटाना समाजवादी संविधान के तहत गलत है। धार्मिक प्रोपेगेंडा ना चलाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लोटन राम निषाद को किसी की आस्थाओं का अपमान करने की आज़ादी संविधान दे देता है। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने पर लोटन राम निषाद को बाहर किया गया है, ना कि नास्तिक होने पर। बहुत से लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी संविधान के मुताबिक ही सभी को अपना धर्म, अपना इष्ट देव चुनने और मानने का पूरा अधिकार है। लोटन राम ने क्या कहा था, अचरसा आपको बता रही हूँ। लोटन राम कहाँ सीमा पार कर गए उसे देखिए, और अगर आपको लगता है कि लोटन राम ने सही कहा है तो कमेंट करके बताइए। लोटन राम ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बने चाहे कृष्ण मंदिर बने, मुझे मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। राम के प्रति मेरी आस्था नहीं है, मेरी आस्था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में है, कर्पूरी ठाकुर में और छत्रपति साहू जी महाराज में है, जिनसे हमें बोलने का, नौकरी में जाने का, पढ़ने का, लिखने का और कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला है। हमें ये अधिकार संविधान से मिले हैं, ज्योतिबा फुले से मिले हैं, सावित्रीबाई फुले से मिले हैं, जिनसे मुझे डायरेक्ट लाभ मिला है, मैं उनको जानता हूँ। लोटन राम निषाद ने आगे कहा कि राम थे कि नहीं, राम के अस्तित्व पर मैं प्रश्न खड़ा करता हूँ। राम एक काल्पनिक पात्र हैं, जैसे फिल्मों की स्टोरी बनाई जाती है वैसे ही राम की एक स्टोरी के पात्र हैं। राम का कोई अस्तित्व नहीं है। अपने बयान में लोटन राम निषाद ने स्पष्ट कहा था कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, ऐसे में उनके बयान को निजी बयान कहकर टाला जा सकता था। ये चारा समाजवादी पार्टी के पास था क्योंकि यूपी के उप मुख्यमंत्री सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कह चुके हैं, योगी आदित्यनाथ हनुमान जी को दलित कह चुके हैं, लेकिन बीजेपी में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लोटन राम के खिलाफ इतना बड़ा फैसला हैरान करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल भारत एक सोच को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.